तो वहीं आपको सीधा लेकर सोना चलते हैं, जहां इनेलो प्रत्याशी जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि कभी उन्होंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करी है। 15-20 दिन पहले इलेक्शन से निकलते हैं और आप लोगों को की वोट को ठग के ले जाते हैं। कैप्टन अजय यादव को ले लीजिए, 6 बारी MLA रहे हैं, 3 बारी स्टेट में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनका भी यही हाल है। कहीं खड़े होके वो एक काम नहीं गिना सकते जो लोगों के लिए उन्होंने किया है। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जो ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुड़गांव की, इसके 3 मेन क्षेत्र है। मेवात एरिया को आप ले, दिल्ली से 2 घंटे दूरी पे है, और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेवात हिंदुस्तान में सबसे पिछड़े हुए इलाकों में से एक है। और ये देन किसकी है? ये देन कांग्रेस और बीजेपी की है, क्योंकि 10 साल कांग्रेस का राज था और 5 साल बीजेपी का। आप आ जाइए आइनवाल के ऊपर, आइनवाल बैंड की, जिसकी ये दोनों नेता राजनीति करते हैं, वहां पे भी सड़कों में गोडा गोडा गड्ढे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, ना कॉलेजेस हैं ना हॉस्पिटल्स हैं। आप आ जाइए गुड़गांव शहर, बादशाहपुर और उसके आसपास एरिया के ऊपर। गुड़गांव शहर पूरे दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर का खिताब मिला है उसको। हम लोग वहां पे सांस नहीं लेते, जहर ऑलमोस्ट जहर की सांस लेते हैं, और हमारे बच्चे जो अगली पीढ़ी आ रही है, हर एक को अस्थमा की दिक्कत हो रही है, कैंसर की बीमारी फैल रही है, क्योंकि इन लोगों ने कभी कुछ किया ही नहीं। मैं गांव से आता हूं और मैं समय भली बाजी समझता हूं कि आप लोगों की समस्या क्या है। आपने अगर मुझे मौका दिया तो जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, मैं उनको 1 साल के अंदर नौकरी दिलवाने का काम करूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं। मेवात के क्षेत्र को आप अगर आप ले, तो वहां पे सबसे बड़ी जो समस्या है, जो हमारे 40,000 ट्रक ड्राइवर भाइयों के लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मौका मिला तो उसको भी हम 6 महीने के अंदर रिन्यू करवाने का काम करेंगे। पिछले 10 साल पहले इंद्रजीत ने कहा था कि जी अगली बार वोट मांगने आऊंगा तो रेलवे लाइन रेल में बैठ के आऊंगा मेवात में, लेकिन ना तो रेल आई, ना रेलवे लाइन आई, ना रेल की सीटी लगी। पर ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग दिल्ली के इतने नजदीक होते हुए ये साजिश कांग्रेस और बीजेपी की है, जो सबसे आपको पिछड़ा रखा हुआ है, तो रेलवे लाइन का भी हम काम करवाने का वो करेंगे, और जो आपका पानी नहीं आ रहा मेवात कैनाल में, उसमें भी पानी लाने का काम करेंगे। अगर आप आए महिलाओं की बात करें तो गुड़गांव में तो सेफ्टी है ही नहीं, महिलाओं की आए दिन अपहरण, रेप, और रिवाड़ी में तो यहाँ तक मुझे उस किसी ने कह दिया कि जी हम अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने से डरते हैं क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए। एक हमारी नाबालिग बेटी पिछले 8 महीने से गायब है बावल क्षेत्र में, लेकिन इन लोगों के ऊपर जू तक नहीं रेंगती। अगर आप बात करें स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी सब बुरे हाल में है। इस पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमें कम से कम 20 ऐसे अस्पताल चाहिए जिसमें एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो, ऑपरेशन फैसिलिटी हो, क्योंकि हर एक गरीब आदमी मेडिसिटी या प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता। और जहां हम आज खड़े हैं, यहां भी कह दूं बड़े दुख की बात है, हिंदुस्तान को आजाद हुए 72 साल हो गए, लेकिन सोलह में ना तो एक कॉलेज है ना ढंग का हॉस्पिटल है। दोबारा मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप मुझे आशीर्वाद दे, 12 तारीख को चश्मे के मोहर पर बटन लगाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम बीजेपी और राव इंद्रजीत को धूल चढ़ाने का काम करेंगे, ये मेरा आप सबसे वादा है। और तो वहीं आपने सोना से लाइव इनेलो प्रत्याशी वीरेंद्र राणा को सुना, जो कि जनता को संबोधित कर रहे थे।